हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है फैट फ्लिकर के इस चैनल पर। भारत के स्पेस स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन को अपने फिफ्थ अटेम्प्ट में सक्सेसफुल कंप्लीट कर लिया है। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाया जा रहा है और अब IIT मद्रास की इंक्यूबेटेड अग्निकुल कॉस्मोस ने वर्ल्ड के फर्स्ट 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी के साथ सेमी क्रायो इंजन रॉकेट का इस्तेमाल करते हुए स्पेस में अपना एक नाम अंकित करवा लिया है और अब पूरे भारत की तरफ से अग्निकुल कॉस्मोस के सभी साइंटिस्टों को बधाइयां दी जा रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्वीट करके जानकारी दी गई कि अ रिमार्केबल फीट विच विल मेक द इंटायर नेशन प्राउड, द सक्सेसफुल लॉन्च ऑफ अग्निबाण रॉकेट पावर्ड बाई वर्ल्ड फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन इज अ मोमेंटस ओकेजन फॉर इंडिया स्पेस सेक्टर। तो इस जो रॉकेट था इसको अग्निबाण नाम दिया गया था और अग्नि जिस प्रकार से प्रज्वलित होती है उसी प्रकार से ये अपने फिफ्थ सक्सेसफुल अटेम्प्ट में जो है आपका पास हो गया है। और ये जो लॉन्च था वो एक सब ऑर्बिटल लॉन्च था। इसरो के द्वारा भी अग्निकुल कॉस्मोस को ट्वीट करके कॉन्ग्रेचुलेशन आपका किया गया क्योंकि भारत आपका काफी तेजी से वृद्धि कर रहा है स्पेस सेक्टर में, जिसके बारे में अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत के जितने भी स्टार्टअप सेक्टर्स हैं जो कि आपके मेनली स्पेस सेक्टर में लगे हुए हैं, उनको अपनी तरफ से उत्साहवर्धन करते रहते हैं। अभी इसी साल अप्रैल 9 को अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा 100% डिजाइन के माध्यम से जो है, जो उनके द्वारा इंजन का टेस्ट किया गया था वो काफी आपका सराहा गया था। और इसी इंजन टेस्ट के बाद अब इन्होंने विश्व के पहले 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन को सही तरीके से अपने फिफ्थ अटेम्प्ट में प्रयास आपका कर लिया है और इस प्रयास के लिए इनको सहयोग लेना पड़ा IIT मद्रास का और इसरो का। इस प्रकार से ये जो आपका लॉन्च था अग्निबाण का, ये अग्निबाण श्री हरिकोटा से आज यानी कि 30 मई की सुबह 7:15 पर आपका किया गया। अगर हम बात करते हैं 3D प्रिंटेड इंजन की, तो देखिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती जिसमें रॉकेट जो पार्ट्स में नहीं बनते हैं बल्कि एक ही पार्ट में पूरा आपका उनका जितना भी इक्विपमेंट्स रहता है उसको रख दिया जाता है, जिससे कि जगह भी बचती है और सही तरीके से पार्ट्स आपके कार्य किया करते हैं। तो इसमें कहा गया है कि द इंजन्स एंड एयर फ्रेम्स ऑफ द 3D प्रिंटेड रॉकेट्स कैन बी बिल्ट इन वन पीस विदाउट एनी जॉइंट्स, सीम्स और वेल्ड्स। तो इसको हम 3D प्रिंटेड इंजन कहते हैं और ये विश्व का पहला 3D प्रिंटेड इंजन है। अब बात करते हैं आपके सब ऑर्बिटल लॉन्च की, क्योंकि ये जो लॉन्च था ये ऑर्बिटल नहीं बल्कि सब ऑर्बिटल लॉन्च था। हम जानते हैं जो पलायन वेग रहा करता है उसके लिए किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वेलोसिटी, लेकिन अगर उसको अगर आप छू दोगे तो जो गुरुत्वाकर्षण की एरिया रहता है उसको वो ऑब्जेक्ट आपका क्रॉस कर जाएगा। इस कारण से सब ऑर्बिटल लॉन्च किया गया है और ये ऑर्बिटल लॉन्च आपका 8 किलोमीटर तक का था, जिसमें ये देखा गया कि ये रॉकेट सही तरीके से वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। वहीं पर इंजन के पार्ट्स को लेकर जो है यहाँ पर भारत में इसको सेपरेटली आपका असेंबल किया गया था, इसके बाद इसको 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से एक ही रॉकेट में आपका डाल दिया गया और काफ़ी बेहतरीन तरीके से हमारे IIT मद्रास अग्निकुल कॉस्मोस के साइंटिस्ट और इन्होंने इसरो के साइंटिस्ट से भी आपकी मदद ली हुई थी। इंजन को जो है अग्निलिट आपका नाम दिया गया है और ये भारत का पहला सेमी क्रायोजेनिक इंजन है जिसमें मेनली जो है ऑक्सीजन एज अ फ्यूल आपका इस्तेमाल किया गया है और जो इसमें मोबाइल लॉन्च पैड था उसको नाम दिया गया था धनुष और धनुष के माध्यम से 30 से लेकर 300 किलोग्राम तक के रॉकेट को आसानी से आपका लॉन्च किया जा सकता है। इससे पहले वर्ष 2022 में भारत की स्टार्टअप स्पेस कंपनी जिसका नाम स्काई रूट है, उन्होंने इसी प्रकार का पहला सब ऑर्बिटल लॉन्च किया था। आप सब ऑर्बिटल लॉन्च को कह सकते हो कि ये एक प्रकार का टेस्ट था और स्काई रूट इस साल के बाद जो है या फिर इस साल के अंत में ऑर्बिटल लॉन्च आपकी करेगी। इसी प्रकार से अब अग्निकुल कॉस्मोस भी ऑर्बिटल लॉन्च को आपका अंजाम देगी।
अग्निकुल कॉस्मोस के बारे में जाने तो ये भारत की एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और नेशनल सेंटर फॉर कंबशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ आईआईटी मद्रास चेन्नई में आपकी स्थित है। इसकी स्थापना श्रीनाथ रविचंद्रन, मोइन एसपीएम सत्यनारायण और जरनादन राजू के द्वारा 2017 में की गई है। इनका हेडक्वार्टर तमिलनाडु में है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यंग एकदम बच्चे हैं ये सभी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनकी सराहना काफी आपके किया करते हैं। 2022 में ही हमारे इसरो के द्वारा एचएएल के लिए इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक इंजन फैसिलिटी का निर्माण कर्नाटक के बेंगलोर में किया गया है और इसके थ्रू जो है हम क्रायोजेनिक इंजन को आपका बनाएंगे जो कि हैवी वेट रॉकेट्स जैसे कि जीएसएलवी के लिए कारगर आपके रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि वर्ष 2022 में भारत सरकार के द्वारा एफडीआई को स्पेस सेक्टर में आपका खोला गया और काफी बड़े बदलाव भारत सरकार के द्वारा स्पेस सेक्टर में किए गए जहां पर 100% इन्वेस्टमेंट को अलाउ कर दिया गया है कि 100% इन्वेस्टमेंट आपकी स्पेस सेक्टर में आ सकती है और इस कारण से भारत की जो इंडियन स्पेस इकोनॉमी की साइज $5 बिलियन है इसको हमको बढ़ाना है। अभी 3% इंडिया का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी में और आने वाले 2030 साल में भारत इसको 10% आपका करना चाहता है। वहीं पर ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी प्रेजेंट में यानी कि 2020 आज से 4 साल पहले $447 बिलियन की थी, 2035 में ये $800 बिलियन हो जाएगी, 2047 में ये $1.5 ट्रिलियन आपकी हो जाएगी। तो भारत के द्वारा 2047 का लक्ष्य आपका लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। इसी कारण से काफी बड़े स्तर में स्पेस सेक्टर में एफडीआई को 100% अलाउ कर दिया गया है। अब इसमें सबसे खुश कौन होगा? सबसे खुश होंगे इलॉन मस्क, क्योंकि हम जानते हैं कि ट्विटर के साथ इनकी स्पेस एक्स कंपनी है जो कि रॉकेट टेक्नोलॉजी पर कार्य आपकी किया करती है। भारत का अगर हम एफडीआई नॉर्म्स देखें स्पेस सेक्टर में तो भारत के स्पेस सेक्टर की इकोनॉमी को ये $44 बिलियन 2033 तक करना चाहता है और 100% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के माध्यम से 74% सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग में दिया गया, 49% लॉन्च व्हीकल्स में दिया गया है और भारत अपनी इकोनॉमी को इस लिहाज से आगे बढ़ाना चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत विश्व के बड़े बड़े देश जैसे कि अमेरिका रशिया के साथ कोलाबरेट कर रहा है। अमेरिका के साथ हम मिलकर निसार पर कार्य कर रहे हैं। निसार का फुल फॉर्म नासा इसरो सैटेलाइट मिशन है जिसके माध्यम से दोनों देशों के द्वारा जो है सिंथेटिक अपर्चर रडार को बनाया जा रहा है और ये विश्व का सबसे महंगा आपका रडार रहेगा जिसकी कॉस्ट $1.5 बिलियन आपकी रहेगी। इसके माध्यम से ये अर्थ को ऑब्जर्व करेंगे कि अर्थ में वोल्केनो अर्थक्वेक इकोसिस्टम डिस्टर्बेंस किस प्रकार से आता है और हम किस तरीके से उसको आपका बेहतर कर पाएंगे। तो भारत अमेरिका के साथ तो है ही है। आपने पिछले साल देखा था कि भारत के द्वारा चंद्रयान 3 मिशन को सक्सेसफुल तरीके से किया गया था और साउथ पोल में पहुंचने वाला पहला देश आपका भारत बना था। उस पॉइंट को हम सभी शिव शक्ति के नाम से अब जानते हैं। वहीं पर इसी लॉन्च के माध्यम से भारत ने अपने सबसे अच्छे मित्र रशिया को भी आपका पीछे छोड़ दिया था। रशिया भी काफी खुश होगा कि भारत आगे बढ़ रहा है और भारत अपने गगनयान प्रोजेक्ट के माध्यम से भी विश्व गुरु बनना आपका जा रहा है, जहां पर कहा जा रहा है कि अगले साल 2025 तक हमारे गगनयान मिशन को आपका लॉन्च किया जाएगा। अगर हम भारत के मेजर डेवलपमेंट्स को स्पेस सेक्टर में देखें तो भारत का जो ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी है वो 2-3% है जो कि काफी कम है। अमेरिका इसमें 40%, यूके इसमें 7% आपका लेता है। भारत चाहता है कि 2030 तक हम इसको 10% आपका करें। इसरो इज वन ऑफ द 6 लार्जेस्ट स्पेस एजेंसी इन द वर्ल्ड। हमारी जो इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काफी एफोर्डेबल है और विश्व की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी है। हमारे द्वारा किया जा रहा अभी मेजर सक्सेसफुल मिशन आदित्य L1 चंद्रयान 3 है और मंगलयान तो 2013 में हमने कर ही लिया था। एडवांसमेंट इन लॉन्च व्हीकल्स देखें, जीएसएलवी मार्क 3 को हम बना रहे हैं और अभी जैसे मैंने बताया इंटीग्रेटेड क्रायोजेनिक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को हमने कर्नाटक के बैंगलोर में स्थापित कर दिया है एचएएल में। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और पीएसएलवी ये हमारे कुछ सक्सेसफुल आपके वर्क हैं। वहीं पर स्ट्रेटजी एंड विजन फॉर इंडियन स्पेस सेक्टर देखें तो सबसे पहला स्ट्रेटजी ये है कि प्राइवेट सेक्टर को स्पेस में आपका लाया जा सके, इंडस्ट्रियल और इंटरनेशनल आउटरीच भारत की हो, साथ ही साथ इंडियन स्पेस सेक्टर में
हम स्ट्रेटजी लाकर अपने देश को आगे बढ़ाएं, हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करें जिसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एक दूसरे के साथ मिलकर भागीदारी आपका निभा सके। और इसके लिए सबसे जरूरी है तो वो है आपका FDI, यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। अगर हम अभी देखें भारत में जो FDI इनफ्लो है 2022-23 का डेटा ये है कि 70 बिलियन डॉलर है, जिसमें सबसे अधिक FDI अमेरिका से आती है, अमेरिका के बाद मॉरिशस, यूके और सिंगापुर से आता है। ऑल्सो ड्यूरिंग 22-23 मार्केट वैल्यू ऑफ FDI इन इंडिया इंक्रीज बाई 6.9% इन रूपी टर्म्स। ओके, तो हम FDI को बढ़ा रहे हैं। FDI में जितना हम ढील देंगे, बिजनेस को ईज करेंगे, तो उतना अधिक देश जो है हमारे तरफ आकर्षित रहेंगे। अब देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स से जहां पर FDI नहीं आ सकता है। तो ये है गैम्बलिंग एंड बेटिंग, चिट फंड्स, निधि कंपनी, ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, रियल एस्टेट बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट, सेक्टर नॉट ओपन टू प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट और लॉटरी बिजनेस में यहाँ पे FDI भारत सरकार लागू नहीं करती है। वहीं पर अग्निबाण के द्वारा भारत ने एक बार फिर से विश्व को दिखाया है कि 3D प्रिंटेड रॉकेट टेक्नोलॉजी में भारत बेहतर है, और भारत ने इसको करके भी दिखा दिया है। तो आप सभी हमारे अग्निकुल कॉस्मॉस के लिए एक लाइक इस वीडियो को जरूर दें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन आइकन को आप सभी प्रेस जरूर कर दें। चैनल का नाम हमारे फैट फ्लिकर है।